हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज कुछ प्लांट्स लाई हूँ, इन सारे प्लांट्स के नाम शेयर करूँगी और इन प्लांट्स की क्या क्या ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट क्या है इन प्लांट्स की, इसी के बारे में बात करूँगी। अगर प्लांट वीडियो पसंद आएगा तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे सारे प्लांट वीडियोज़ की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। प्लांट से रिलेटेड हर तरह की जानकारी मैंने यूट्यूब पर शेयर की हुई है, चाहे वो बागवानी शुरू करने वाले लोगों के लिए गार्डनिंग टिप्स हो कि गार्डनिंग शुरू करते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कटिंग से लगाने वाले पौधे, हवा को साफ करने वाले पौधे और भी हर तरह की जानकारी आप लोगों को पौधे से जुड़ी हुई मिल जाएगी। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और फ्रेंड्स यूट्यूब पर सर्च कर ले चाहे तो गार्डनिंग विद गीत कुमार, सारे प्लांट वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे मेरे प्लांट वीडियोस। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ रोज़ प्लांट। ये बटन रोज़ है फ्रेंड्स, ये देखिए बर्ड्स बन रहे हैं इस प्लांट में। और इसकी भी रोज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं गुलाब की। ये बटन रोज़ है, इसमें गुच्छों में बंचेस में फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं और ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है। हाइब्रिड वैरायटी भी आती है रोज़ की और हर तरह के कलर आप लोगों को मिल जाएगा मार्केट में। ये आउटडोर प्लांट है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी इन प्लांट्स को 7 से 8 घंटे की ज़रूरत होती है। आउटडोर प्लांट है और ये जो प्लांट है ये सिंगोनियम का प्लांट है, इसे एरोहेड प्लांट भी कहते हैं और इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये बड़ों पत्ते वाला है और कलर आप लोग देख ही रहे होंगे, हरे पत्तों वाला भी आता है। इसकी डॉर्फ वैरायटी भी आती है जो बहुत छोटे छोटे पत्ते उसके बहुत छोटे होते हैं। ये इंडोर प्लांट है, बेसिकली इंडोर इन प्लांट्स को रखें, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इन प्लांट्स को ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। ये है फ्रेंड्स एरोकेरिया का प्लांट, इसे नॉरफॉक पाइन भी कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। हालांकि जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वो आउटडोर भी ग्रो करते हैं अच्छे से, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये ख़ास तौर से इंडोर ही इस प्लांट को रखा जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, वेल ड्रेन पॉट में लगाएं और पॉटिंग ऐसी होनी चाहिए इन प्लांट्स के लिए कि जिसमें पानी रुके ना देर तक, वरना प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और प्लांट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर प्लांट्स हैं ये, इसमें से कुछ आउटडोर और कुछ इंडोर प्लांट्स में भी हैं, सारे मैंने मिला के रखे हुए हैं। और ये दिखाऊँ, ये है स्पाइडर प्लांट फ्रेंड्स, ये इंडोर भी आप रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कड़ी धूप में रखने से स्पाइडर प्लांट की पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होने के साथ फ्रेंड्स ये एक एयर प्योरीफायर भी है, हवा को साफ करने वाला प्लांट भी है स्पाइडर प्लांट, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। और ये जो प्लांट है ये पेडिलेंथस का प्लांट है, इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये वेरीगेटेड वैरायटी है। वेरीगेटेड वैरायटी में आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही पत्ता इसमें हरा और सफ़ेद दोनों ही मिला हुआ है, तो यही वेरीगेटेड वैरायटी होती है। और नॉर्मल वैरायटीज़ में सिर्फ पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। और पेडिलेंथस प्लांट है, ये भी बेसिकली इंडोर प्लांट है, लेकिन आप घर के बाहर भी ऐसी जगह में रख सकते हैं जहाँ बहुत सारे प्लांट्स के बीच में, जहाँ इसे हल्की धूप मिल सकती है या मिलती रहे, तो वो जगह इस प्लांट के लिए अच्छा होता है। ये है फॉक्सटेल फर्न फ्रेंड्स, ये देखिए बेसिकली इंडोर प्लांट है और हैंगिंग पॉट्स में लगाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट हैंगिंग प्लांट्स है ये, आप हैंगिंग पॉट्स में लगा सकते हैं, बेसिकली इंडोर प्लांट है जैसा कि मैंने कहा। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, गर्मियों में इसका सीज़न होता है, गर्मियों में ग्रोथ होती है इन प्लांट्स की और ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। ये जो प्लांट है ये एग्लोनिमा की वैरायटी है, लिपस्टिक एग्लोनिमा कहते हैं इस प्लांट को। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत होता है ये प्लांट और बहुत ही खूबसूरत इसकी और भी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे सिल्वर क्वीन, वैलेंटाइन लिपस्टिक एग्लोनिमा, रेड एग्लोनिमा, बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहते हैं इस प्लांट को। बेसिकली इंडोर प्लांट है, इंडोर ही इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है इन प्लांट्स की। और ये भी एयर प्योरीफायर है, हवा को साफ करने वाले प्लांट्स हैं। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये भी सिंगोनियम की वैरायटी है, अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी वैरायटी होती है सिंगोनियम की, तो ये हरे पत्तों वाला है
और एरो हेड भी कहते हैं इस प्लांट को, ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। इसे आप हैंगिंग पॉट्स में भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। फिर ये दिखाऊं फ्रेंड्स, ये है मिनी एक्सोरा, मिनिएचर एक्सोरा भी कहते हैं। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और बहुत सारे कलर्स में इसके फ्लावर्स मिलते हैं, रेड, वाइट, पिंक, येलो, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। कटिंग से लगा सकते हैं और कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट है, आप 7 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है इन प्लांट्स को। फिर दिखाओ, ये है मनी प्लांट फ्रेंड्स, इसे पोथोस भी कहते हैं मनी प्लांट को। और ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, इसकी कटिंग आप चाहें तो लगा सकते हैं, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। ये है क्रोटन, क्रोटन बैंगलोरी क्रोटन है ये, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और कटिंग से लगा सकते हैं। इंडोर प्लांट है, ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, आप घर के अंदर रख सकते हैं, ब्राइट लाइट जहाँ मिले इस प्लांट को। बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं ये। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे प्लांट वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे इस प्लांट वीडियो को, और मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप लोगों को मेरे प्लांट वीडियोस अच्छे लगें और ये वीडियो भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।